साथियों नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वुलिया पलैफिड के बारे में। अब बात करते हैं कि ये पौधे को नुकसान क्या पहुंचाता है, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि ये लगता कहां पर है। तो ये ब्रांचेस पर लगता है और ऐसी जगहों पर लगता है जिन ब्रांचेस में पहले से ही कोई इंजरी हो, पहले से ही कोई घाव बना हुआ हो, वहाँ पर ये लगता है। वहाँ पर क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि जहाँ पर ब्रांच में घाव लगा होगा वहाँ से जितना भी सैप, जितना भी रस कह सकते हैं, पौधे में बहता है, वो वहाँ से लीक हो रहा होता है। और जो ये वुलियाफिड है, इसका काम यही है कि ये पौधे से उस रस को सक करता है, चूसता है। तो जहाँ पर वो घाव बना हुआ है वहाँ पर से वो ज़्यादा बह रहा होता है, इसलिए वहाँ पर ये मुख्य तौर पर लगता है। और जब वहाँ पर ये लगेगा तो उससे क्या होगा, जितना भी काम, यदि इसकी कैलोनी ज़्यादा है, इसकी मात्रा ज़्यादा है वुलियाफिड की, तो जितना जो भी काम उस ब्रांच ने करना है जहाँ पर ये लगा हुआ है, जहाँ से ये रस को सक कर रहा है, चूस रहा है, उसका काम स्टिल भी हो सकता है। दूसरा नुकसान ये कि ये रूट्स में, जो मैंने ब्रांच वाला कहा यह तो कुछ भी नहीं है, सबसे मेन ये करता है कि जो नीचे ब्रांच रूट्स है, रूट सिस्टम है, उसको भी ये हिला करके रख देता है। वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा अटैक होता है नीचे रूट सिस्टम में। रूट्स में ये क्या करता है, क्योंकि जो रूट होती है, जो पौधे की जड़ें होती है, जितने भी मिनरल्स, जितने भी न्यूट्रिएंट पौधे ने ज़मीन से अपटेक करने हैं, उसका माध्यम जड़ें ही है, रूट्स ही है। तो जब इस रूट को भी, जब रूट को ही अटैक करेगा, जब रूट पर ही ये वुलियाफिड अटैक करेगा, तो पौधे तक सारे न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे पौधा स्ट्रेस में भी जा सकता है। तो इतना ख़तरनाक साबित ये हो सकता है यदि हम इस पर जल्दी से जल्दी क्योर ना कर सके। तो ये रूट्स पर लगता है, रूट्स से भी सेम सैप को सक करता है, रस को चूसता है, और रूट पर गांठे जैसी हो जाती है, आपको गांठे जैसी देखने को मिलती है। ये उस वुली एपलैफिड का ही नतीजा होता है। अब बात करते हैं कि ये दिखता कैसा है, आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो ये दिखता कैसा है, बात आई दिखने की, तो ये अपने शरीर से एक वाइट कलर का पदार्थ निकालता है, जो बिल्कुल कॉटन की तरह, रुई की तरह देखने में होता है और वाइट कलर का होता है। तो ये भारी मात्रा में उसको अपने बॉडी से निकालता है, जिससे कि आपको आसानी हो जाती है इसको ढूंढने में, क्योंकि आपको वाइट है तो पहले ही वो आपको चमकेगा ग्रीन के बीच में, तो आपको ये जल्दी से दिख जाता है। लेकिन हमारे लिए दुख की बात क्या है कि जो ये वाइट कलर का पदार्थ है, ये इसका सुरक्षा कवच होता है वुलिया पलैफिड का। वो कैसे, जब आप इस पर कोई स्प्रे करते हैं तो वो वुलिया पलैफिड के शरीर तक, बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है, ये उस वाइट पदार्थ पर ही, वहाँ तक ही पहुंच पाती है। वुलिया पलैफिड के जो बाहर आवेश बना होता है वहाँ तक ही पहुंच पाती है, जिससे कि अंदर वुलिया पलैफिड बिल्कुल सुरक्षित आराम से बैठा हुआ रहता है। तो ये आपके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए तो आसान है, लेकिन एक और देखा जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदायक भी है। अब बात करते हैं इसके जीवन चक्र की, इसका जीवन चक्र क्या रहता है। तो ये जहाँ पर है, जहाँ पर अभी ये है, तो जैसे जैसे ये बड़ा जैसे इसकी आयु बड़ी होती जाती है, उसी के साथ साथ इसके पंख भी निकलते हैं, और इस पंख की सहायता से उड़ करके दूसरी जगह पर चला जाता है और वहाँ पर अपने अंडे देता है, और वहाँ पर अपने वंश को बढ़ाता है, कैलोनी को बढ़ाता है। और ये सर्दियों के वक्त में नीचे रूट्स के पास रहता है मुख्य तौर पर, और गर्मियों में जब स्टार्ट होता है समर सीजन, तो ये ऊपर आ जाता है पौधे की ओर, और पौधे की टहनियों को नुकसान पहुंचाता है, और सर्दियों में नीचे जड़ों के पास रहता है। तो अब बात आती है इसके सॉल्यूशन की। यहाँ पर मैं आपको एक बात सीधी और स्पष्ट बताना चाहती हूँ, यदि आप वुलियाफिड को किसी इंसेक्टिसाइड या फिर किसी अन्य स्प्रे की सहायता से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप किसी स्प्रे के जरिए इस पर कुछ प्रतिशतों की ओर पा सकते हैं, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि जो वुलिया पलैफिड है, सबसे पहली बात तो ये कि इसके बाहर एक आवेश बना हुआ होता है, तो स्प्रे जो भी आप कर रहे हैं, यदि आप उसको केयरफुली नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं करते हैं, तो ये स्प्रे उस तक पहुँचती ही नहीं है, वुलियाफिड तक पहुँचती ही नहीं है, वहाँ पर अंदर आराम से ये बैठा हुआ होता है आरामदायक अवस्था में, तो वहाँ तक स्प्रे पहुँचती भी नहीं है। यदि पहुँचती भी है तो कुछ प्रतिशत ये कंट्रोल हो पाता है, 100% नहीं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बागीचे से ये 100% चला जाए, 100% चला जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आपके ऑर्चर्ड में पिडेटर्स की संख्या बढ़ानी है। पिडेटर्स हमारे मित्र कीट होते हैं, जो हमारी मदद करते हैं वुली एपलैफिड जैसी अनेक तरह की जो इंसेक्ट है, जो हमारे शत्रु इंसेक्ट है, शत्रु कीट है,
उनको भगाने में, उनको अंडर कंट्रोल रखने में। तो इसमें प्रेडेटर में आती है एफिलिनस मॉली और लेडी बर्ड बीटल्स जैसे अनेक अन्य कीट। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो ये लेडी बर्ड बीटल है ये एक दिन में लगभग 500 से भी ज़्यादा एफिड्स को चट कर जाती है, केवल एक एफिड। तो खुद सोचिए, जब इतना अच्छा इसके लिए ट्रीटमेंट है, इतना अच्छा इस पर क्योर करने वाला कीट हमारे पास फ्री में आ रहा है, तो आपको और क्या चाहिए, आपको अन्य स्प्रे करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। अपने ऑर्चर्ड में प्रेडेटर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको आपके ऑर्चर्ड के अंदर इनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट बनाना है। अच्छा इन्वायरमेंट मतलब एक ऐसा वातावरण जहाँ पर ये सुरक्षित महसूस करे। अब देखिए, जहाँ पर इंसेक्टिसाइड का और लगातार केमिकल्स का यूज़ हो रहा हो, वहाँ पर तो इन्हें रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर इनकी जान को भी खतरा है, तो वहाँ पर ये नहीं रहेंगे। तो आपको अपने ऑर्चर्ड के अंदर केमिकल्स की, इंसेक्टिसाइड की, फंजीसाइड की स्प्रेस बिल्कुल कम कर देनी है, तब जाके आपके ऑर्चर्ड के अंदर सारे मित्र कीट आएंगे। जो ये लेडी बर्ड बीटल है और एफिलिनस मॉली है और इनके तरह के अनेक जो अन्य मित्र कीट है, वो ना सिर्फ वुली एपल एफिड पर बल्कि वो माइट पर और सेंजो स्केल पर, वुली एफिड पर, ग्रीन एफिड पर, ब्लैक एफिड पर, इस तरह के अनेक जो हमारे शत्रु कीट हैं उनको ये भोजन करती है, उन पर ये फीड करती है, ये उनका भोजन होता है। इसलिए आपके ऑर्चर्ड में ये सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल रहती है। तो यही इसका 100% सोल्यूशन है। आपको आपके ऑर्चर्ड के अंदर जो प्रकृति ने व्यवस्था बनाई हुई है, जो प्रकृति ने हमारे लिए सुविधाएं दी हुई है, उनका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। यदि आप उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फ़ायदा उठाना भी आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपके ऑर्चर्ड के अंदर आपको केमिकल्स की स्प्रे बिल्कुल बंद कर देनी है या फिर बिल्कुल ना के बराबर करनी है, ताकि आपके जो ये मित्र कीट है आपकी सहायता कर सके। ये करना चाहते हैं लेकिन आप ही इनको रोक कर रखते हैं। तो आई जस्ट होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सभी बागवानों तक। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।